देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आपसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 अनुराग एंड प्रोडक्ट इज 182। सक्षम ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182। बेटा अगर मान लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स देन अदर इज इक्वल्स टू 27 क्योंकि दोनों का सम है 27। और कई स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो x माइनस 27 ले लेते हैं, है ना। कुछ लोग शायद अभी भी बोल रहे थे, अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, मैं बताने भी वाला था। सर आपको टोटल में से x को माइनस करना है, x में से 27 को थोड़ी करोगे, 27 दोनों का सम है, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस। ये गलती मत करना वरना आगे दिक्कत होगी। अब कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपको बोला है ये दो नंबर सम दे दिया, प्रोडक्ट आपको 182 बोला है, मतलब x into 27 minus x 182 सही है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। x का 27 में करेंगे माइनस का x स्क्वायर 182। चलो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा वो चीज जो मैं उस दिन बोल रहा था ना, कई स्टूडेंट्स को इनको भी अभी कंफ्यूजन हो रही थी, लीनियर पेयर से दो वेरिएबल से कर सकते हैं। मैं इसको अभी दूसरे मेथड दो वेरिएबल से करके दिखाऊंगा, ठीक है। आएगा ऐसे ही तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको रटने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लॉट फिर के क्वाड्रेटिक में बनेगा अगर इसका है तो। हाँ भाई माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस 27 इधर जाके, और बेटा वो बेचारा पहले से ही पॉजिटिव है और इधर वाला पार्ट पूरा जीरो बन चुका है, इधर जा चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा था, प्लस माइनस करके 27 तो वही 13 और 14। लेकिन ध्यान रहे इस बार माइनस 27 है तो दोनों माइनस के लिए जाएंगे, दोनों में से x कॉमन 13 कॉमन x माइनस 13 और x माइनस, बेटा इसमें दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, तो क्या दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं? यस दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन अब केसेस क्या बनेंगे कि अगर x 13 लेते हैं तो यहां रखेंगे तो 27 माइनस 13 14, और x 14 लेते हैं तो 13, तो लॉट फिर के नंबर तो 13 14 ही आ रहे हैं ना। केसेस बना लीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 13 देन 27 माइनस x 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। केस टू, व्हेन x इज इक्वल्स टू 14 देन 27 माइनस x 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू, देयरफोर आपको ये सारी चीजें बेटा लिख के आनी है ऐसे ही, द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। इसी में आपको मैं वो बता दूं दूसरा मेथड कैसे करेंगे, कर लिया। चलो देख मान लेते हैं दूसरे तरीके से, अगर हम इसे करते अगर लीनियर इक्वेशन वाले से, लेट द टू नंबर्स B, X and Y, तो बेटा आपसे कह रहा है whose sum is 27, X plus Y is equals to, यहां से मैं Y की वैल्यू निकालता तो कितनी, फर्स्ट इक्वेशन, और एक आपको प्रोडक्ट बोला है XY 182, मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता, Y की वैल्यू को यहां पे पुट कर देता, सही है बच्चों। आप देखना जरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था कि एक नंबर को x माना था और दूसरा नंबर क्या था 27 माइनस x, देख लो आ गया अपने आप दूसरा नंबर, फिर मैंने उनका प्रोडक्ट किया था, यही कंडीशन लिखी थी, वही लौट के आ गए। तो अगर आपने दो वेरिएबल भी लिए तब भी आप वही लौट के आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर पेयर का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक का, तो अपने आप लौट जाएगा। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सभी सॉल्व कर लेंगे, आप भी कर लीजिएगा भाई।